अजय माकन की मां का निधन, पंजाबी बाग शमशान घाट में अंतिम संस्कार हो रहा है और तस्वीरें इस वक्त वहां से आ रही हैं। अक्षय भी मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे वहीं से जुड़ रहे हैं। अक्षय, बेहद दुखद पल है परिवार के लिए और अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर में होगा, अब से कुछ ही देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। अक्षय, देखिए, निश्चित रूप से दुखद खबर है और अजय माकन जो कांग्रेस के किरदार है, राज्यसभा सांसद है, उनकी माँ का निधन निश्चित से कह सकते हैं कि दुखद बड़ी खबर। और कहा जा रहा है कि 5-6 महीनों से वो बीमार चल रही थी। संतोष माकन जी जिनका संस्कार आज किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पहले बीएल कपूर में उनको भर्ती कराया गया था, उसके बाद हालत जब सुधार नहीं हुआ तो 15 दिन पहले उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। इसमें तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, जो अंतिम क्रियाकर्म की जो रस्में हैं वो पूरी की जा रही है। संतोष माकन जी का निधन निश्चित से माकन परिवार के लिए जो दुख भरी खबर है, इनकी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी दुखद खबर है। और यहाँ पर इसीलिए कई सांसद यहाँ पर पहुंचे हैं। किशोरीलाल शर्मा अजय माकन के पुराने दोस्त हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा वीरेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के वो पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ कई और सांसद बीजेपी के जो राम सिंह धूरी सांसद है जस्टिन के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। श्रद्धांजलि इस समय दी जा रही है और तस्वीरें भारत 24 पर आप देख सकते हैं। तो निश्चित से अजय माकन परिवार के लिए तो ये बड़ी खबर है ही, लेकिन रस्में अब निभाई जा रही है और साफ तौर पर है कि जो तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर कांग्रेस के पहुंचे हुए सांसद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खबर आ रही है कि कुछ बड़े कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। प्रियंका गांधी की शामिल हो सकती है। देखिए, जाहिर तौर पर दुख की घड़ी में ना राजनीति होती है और ना ही इस तरह के विषय, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है तो सबको एक साथ होना चाहिए। और क्योंकि राज्यसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन की मां का निधन हुआ, खुद एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर में होगा, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी उनकी माँ।